हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं GPH बुक्स। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAC 101 के बारे में। यस फ्रेंड्स, प्रस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और प्रस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य आपका सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पूरा देखिए। आने वाले एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद होने वाली है एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, हेल्पफुल साबित होगी। उससे पहले, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड होते हैं, उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलते रहें और आप कोई भी जानकारी स्किप ना करें। सो फ्रेंड्स, ये बुक आपके सामने मैंने शो की है। इस बुक से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट मी शो यू। जी हाँ फ्रेंड्स, BPAC 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लोक प्रशासन की प्रकृति को समझाइए और इसके कार्य क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तथा इसके तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण के संदर्भ एवं पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। हेनरी फेयोल द्वारा प्रस्तुत प्रबंधकीय सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। चैनल पर इस तरह की आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? नौकरशाही पर JS मिल, कार्ल मार्क्स और हीगल के विचारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हार्थोन अध्ययनों के निष्कर्षों और महत्ता पर प्रकाश डालिए। हार्थोन प्रयोगों की किस आधार पर आलोचना की जाती है? फ्रेंड्स, कैसा फील होगा आपको अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं और आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सके, आने वाले एग्जाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके, इससे बेहतर चीज फ्रेंड्स आपके लिए क्या होगी? सो इनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं फ्रेंड्स, वो आप इस बुक से रेफर कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बुक शो की थी, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर के सोल्व क्वेश्चन पेपर के साथ सैंपल पेपर और गेस्ट पेपर भी मिलेंगे। चलिए बात करते हैं, निर्णय निर्माण या निर्णयन से आप क्या समझते हैं? योजनाबद्ध तथा गैर योजनाबद्ध निर्णयों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। टेरी और साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण के चरणों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रणाली व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है? व्यवस्था दृष्टिकोण पर चेस्टर बर्नार्ड के विचारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं के पद अनुक्रम सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा हर्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत की भी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रेंड्स या तो आप इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक में तो आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स रेफर करने के लिए मिल ही जाएंगे। अपने एग्जाम की तैयारी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में कीजिए। फ्रेंड्स, मैं हर एक वीडियो में आपको ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से अपने पर्सपेक्टिव को क्लियर करके आप लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे नंबर ज़रूर मिलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, लोक नीति दृष्टिकोण के उद्गम एवं विकास पर संक्षेप टिप्पणी कीजिए। और क्या करना है, इसके साथ आपको कुछ चयनित मॉडलों का भी वर्णन करना है। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट चुके हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, नीति विज्ञान क्या है? नीति विज्ञान के संदर्भ में लासवेल के विचारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11, विकासशील समाज के लिए संगठित सांस्कृतिक विवर्तित मॉडल को विस्तार पूर्वक समझाइए। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड्स मैं बहुत आराम से क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रशासन लोक प्रशासन के विकास के चरणों का वर्णन करते हुए नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, लोक चयन उपागम की आधारभूत विशेषताओं को विस्तृत रूप से बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, हित के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है और किन किन तरीकों से लोक हित का अनुसरण किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो राज्य की बदलती भूमिका तथा नवीन लोक प्रबंध के उदय पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 16, सरकार की पुनः खोज। यस फ्रेंड्स, सरकार की पुनः खोज से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, सुशासन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा इसके लक्ष्य बताइए।
चाहिए। सुशासन से संबंधित प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों को भी बताइए, उनकी पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आधुनिकवाद के उदय के कारणों पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 19, नारीवादी दृष्टिकोण के स्वरूप पर प्रकाश डालना है और नारीवादी सिद्धांत की भी विवेचना करनी है। ओके, सो ये फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी आने वाले समय में और भी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।